हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ दिवाली डेकोरेशन के कुछ और नए टिप्स लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ नए आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज के व्लॉग में ना मैं बहुत सारा जरी एंड ब्रास का यूज करने वाली हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने रेड कलर का बनारसी जरी का मैंने रनर स्प्रेड किया है, जो बहुत ही ब्राइट बना रहा है इस एरिया को। और उसके ऊपर मैंने ब्रास के ये वाइन ग्लासेस हैं, जिनको उल्टा करके रख दिया है और उसके ऊपर एलईडी लाइट लगाई है। ये वो टाइमलेस मेटल है जो हमेशा डेकोरेशन में एक एलिगेंस को, एक लग्जरी को एड कर देता है। गोल्डन कलर के ब्रास जो होते हैं वो तो हमेशा एक वार्म्थ, एक रिचनेस को दर्शाता ही है। ब्राइट टमाटो रेड, ब्रास का गोल्डन कलर एंड ग्रीन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस एरिया को बहुत ही बिल्कुल ही दिवाली जैसा बना रहा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। इसकी वजह से टेबल भी काफी स्पेशियस लग रहा है। अगर कई बार दिवाली के टाइम पे हमें कुछ सर्व भी करना होता है ना, तो टेबल में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो डेकोरेशन के साथ स्पेस बनाना टेबल पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं अपने क्रॉकरी यूनिट के ऊपर भी आज उर्ली से डेकोरेशन कर रही हूँ। उर्ली तो हमारे इंडियन कल्चर का हेरिटेज एंड क्राफ्टमैनशिप की एक निशानी मानी ही जाती है। इसके डेकोरेशन से भी एक एलिगेंस एंड ट्रेडिशन का एक पार्ट एड हो जाता है। अक्सर इसको एसोसिएट किया जाता है रिलीजन एंड प्रोस्पेरिटी के साथ। एंड वास्तु में भी ये माना जाता है कि जब भी वे मेटल में पानी के साथ उसको डेकोरेट किया जाए या यूज किया जाए, उससे एक पॉजिटिविटी आती है, पूरा एरिया काफी पॉजिटिव हो जाता है। तो उर्ली को मैंने पानी और पेटल से सजाया है और उसके दोनों तरफ जो हमारे इंडियन दियाज हैं उससे मैंने इस तरह से सजा दिया है। देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है। अब साइड में थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं ब्राइट पिंक कलर के इस तरह के माला डाल के हैंग कर रही हूँ। ये आर्टिफिशियल मालाज हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा एक ब्यूटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जिन्हें मैं पिन या सेफ्टी पिन के हेल्प से ना अपने पर्दों में इस तरह से हैंग कर दे रही हूँ। ये ब्राइट पिंक कलर का जो हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम है, इससे एकदम से पूरा एरिया काफी ब्राइट हो गया एंड कलरफुल दिखने लगा है। घर के एंट्रेंस में ही जो मेरा कंसोल टेबल है, उसमें मैं कुछ और नए चीजें ऐड कर रही हूँ। ये कुछ और लाइवली प्यारे से मेरे पास माला है जिनको मैंने हैंग कर दिया है, और लोटस कैंडल होल्डर्स को भी मैं यहाँ रख रही हूँ। कहते हैं लोटस भी प्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है। दिवाली जैसे ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स में हम इन चीजों से इसीलिए डेकोरेट करते हैं कि हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आए। मेरे घर में घुसते ही ना सबसे पहले ये डिवाइडर नजर आता है, जो काफी खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन आज इस बार मैं दिवाली में इसको भी डेकोरेट कर रही हूँ। मैं हर बार इसको डेकोरेट करते समय थोड़ा कंफ्यूज ही रहती थी। मैं यहाँ पे ना तोरण से हमेशा डेकोरेट करती थी, लेकिन इस बार मैं इस तरह से कुछ और डेकोरेटिव आइटम से हैंगिंग करके ही सजा रही हूँ। और ये देखिए ये कितना सुंदर बन गया है। अगर आपको भी मेरे जैसी प्रॉब्लम है कि आप दीवारों में अपने घर में नेल्स यूज नहीं करना चाहते, कुछ भी स्टिक नहीं करना चाहते और दीवारों को प्लेन रख के उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप हैंगिंग आइटम्स को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इस एरिया को भी मैं उर्ली के साथ सजाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी उर्ली के तीन सेट हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं और बहुत ही प्यारे हैं। ये जो उर्ली है ये लोटस फ्लावर्स के डिजाइन में है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इनके अंदर भी मैंने पानी भर दिया है और पेटल्स से मैं इन्हें सजा रही हूँ। जैसे रंगोली यूजली हम घर के बाहर बनाते हैं, तो घर के अंदर अगर आपको रंगोली इफेक्ट चाहिए और बहुत ही कलरफुल एक कॉर्नर सजाना है, तो उर्लीज का इस तरह से यूज करना बहुत सुंदर लगता है। इसको थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए और रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं ये आर्टिफिशियल गेंदा के जो माला है उनसे चारों तरफ से इनको ना लपेट के एक कलर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। दिवाली डेकोरेशन में गेंदों का यूज ना करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
फ्लावर्स जो हैं वो बहुत बहुत ही प्यारे लगते हैं और उनसे ये देखिए कितना सुंदर ये पूरा एरिया बन गया है। काफी वेलकमिंग एंड इनवाइटिंग सा लुक आ गया है। ये पूरा जो एरिया है ये मेरा घर का एंट्रेंस है। यहाँ मैंने डोर में भी इस तरह के हैंगिंग्स टांग दिए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ओवरऑल जो मेरे एंट्रेंस का लुक है वो कुछ इस तरह से है। घर के हर कोने में ब्रास से मैंने डेकोरेट किया है तो सेंटर टेबल को कैसे छोड़ दूं? सेंटर टेबल में भी मैंने ब्रास की प्लेट ली है और यहाँ उसके दोनों तरफ मैंने लोटस के कैंडल होल्डर लगाए हैं और ये ब्रास के कुछ इस तरह से डब्बे हैं जिनमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल के रख सकते हैं। फेस्टिवल टाइम में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है तब इस तरह के कुछ स्नैक्स आप हमेशा टेबल में अवेलेबल रख सकते हैं। तो ये है जयपुर का, यू नो, ये काफी अच्छे एम्ब्रॉयडरी एंड पैच वर्क के रूप में है। इसमें काफी कुछ ऐड करके किया है, काफी कलरफुल लगता है। इसके पीछे हुक्स भी दिए हैं। बेसिकली ये वॉल हैंगिंग के लिए कई लोग फ्रेम करके लगाते हैं या सीधा लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको यूज करने वाली हूँ अपने सोफे में एज अ थ्रो, इसको यूज करने वाली हूँ क्योंकि दिवाली है और दिवाली में जितना कलर्स हम ऐड कर सके उतना अच्छा लगता है। इस पीस को एज अ थ्रो यूज करते ही देखिए सोफा कितना कलरफुल बन गया और इसके ऊपर ही मैं ये कलरफुल अपने कुशन्स रखती हूँ। तो ये है मेरे फाइनल सेंटर टेबल एंड पूरे ड्राइंग रूम का लुक। कितने अच्छे से ये कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल रेनबो कलर्स मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। किसी को भी किसी के साथ मैच नहीं किया लेकिन ओवरऑल लुक पूरा फेस्टिव बन रहा है, बहुत ही प्यारा बन रहा है। इंटीरियर डिजाइनर है और आज दिवाली के रीजन से ये मेरे घर पे आई है, मैंने इन्हें इनवाइट किया था। एक्चुअली मेरे पास ना काफी कुछ नई चीजें भी थी और मैं इनका आइडिया लेना चाह रही थी कि कैसे हम उसको और डेकोरेट करें और एनहांस करें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिजाइनर है, थोड़ा ये अपना आइडिया दे सकती है। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नए आइडियाज के साथ आऊंगी, सो आज का जो व्लॉग है बेसिकली मैंने बिल्कुल नया लुक दिया है अपने घर को एंड ब्रास का बहुत ज्यादा यूज किया है एंड वो सारा थोड़ा बहुत इनके इनपुट्स लिए हैं, थोड़ा अपना आइडिया लगाया है। तो मैं चाहती हूँ इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा और इनपुट्स लेते हैं दिवाली के लिए हम कैसे कर सकते हैं ना, कुछ प्रो आइडियाज अगर ये हमें दे सके। तो इनका नाम है रेखा मिश्रा। तो रेखा बताओ ना कुछ अपने इनके क्या है ना, दिवाली हमारा जो दियो का त्योहार है ना, और आई डोंट नो एस्थेटिकली कैसे लोग देखते हैं बट मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मुझे दिवाली बहुत ही कलरफुल लगता है। और वो बेसिक्स एज इन आपके जो हमारे मम्मी पापा के घर में हुआ करते थे ब्रास, मैं ब्रास बहुत यूज़ करती हूँ दिवाली में। एंड आई सजेस्ट टू माई फ्रेंड्स फैमिली कि आप ब्रास का यूज़ करिए, दियों का, मिट्टी के दियों का यूज़ करिए, क्योंकि एक वोकल फॉर लोकल का जो चल रहा है इट मेक सेंस। क्या है कि जो बेचारे स्मॉल स्केल वेंडर्स हैं उनके घर में भी दिवाली है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि घर के अंदर ठीक है हम थोड़ा फायर से बचने के लिए ये सब यूज कर लेते हैं एलईडी लाइट से, लेकिन डेफिनेटली दिवाली वाले दिन इनको मैं रिप्लेस करती हूँ उनसे, यू नो, जो दिए होते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं। मिट्टी के दिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी कि हमारा वो बेसिक है, ये जो चाइना लाइट्स है वो हमारे सहूलियत के लिए बनी है, बट दिवाली दीपो की वाली दीपावली है ये, तो मुझे ऐसा लगता है मिट्टी के दिए जरूर लगाएं और उसे प्रमोट भी करें। एंड ब्रास को बेसिक्स, तो हमारे पूर्वजों के घरों में हमारे मम्मी डैडी ब्रास की बहुत सारी चीज़ें रखते थे, अभी बहुत फैंसी हो गया, कोटेड हो गया है, बट आप बेसिक्स में जाएं और कलर्स ऐड करिए। आप डोंट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग बंदी लहरिया, एंड जैसे एमली ने ये यूज़ किया हुआ है, जो भी इन्होंने कलर ऐड किए हैं, आप अपने घरों को आप देखेंगे आप जितने कलर ऐड करेंगे दिए लगाएंगे आपका घर दिवाली बोलते हैं ना कि इनकी दिवाली, इनका जो लिंगो होता है बच्चों का कि दिवाली अप्रोप्रिएट। तो बेसिकली दिवाली अप्रोप्रिएट क्या होता है कि अगर आपका घर कलरफुल है और दिए हैं, लाइट्स, लॉट्स ऑफ लाइट्स, इसी से पूरा माहौल बन जाता है। वो दिवाली वाला जो फील आता है, तो दिवाली की फील के लिए अगर आप कितने कलर्स ऐड कर रहे हैं, हर एक कॉर्नर को जगमग करिए, मतलब कोई भी कॉर्नर है ना खाली ना रहे।
ब्रास तो आई डू एग्री विद यू रेखा, मुझे वही लगता है कि ब्रास से ना एक वो ट्रेडिशनल टच आ जाता है कि कुछ हमारा यू नो एकदम ट्रेडिशन जो है उससे एकदम एसोसिएट हो जाता है. एंड अगर आजकल तो ठीक है ओरिजिनल ब्रास अगर ना भी यूज कर पाए तो भी कोटेड इतने यूज हो रहे हैं. प्लस ब्रास के साथ जब आप असली गेंदे के फूल रियल गेंदे के फूल आप जब ब्रास के साथ ऐड करते हैं और आप मिट्टी के दिए लगाइए, आप देखिए आपके डाइनिंग का डेकोर ही बढ़ जाता है. आपको ये लगता है कि हम चाइना का LED ला रहे हैं या ये सारी लाइट्स ला रहे हैं, बट आप दीपक जलाइए, आप दीपक जलाइए, कुछ ब्रास के ऊपर गेंदे के फूल रखिए, असली वाले रियल फ्लावर्स लाइए, बहुत ही अच्छा एस्थेटिक लुक आता है. और फूल हो गए सब तो हमारे मतलब हम पहले से करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है. Correct, जो नया है मुझे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, जो पुराना है आई लाइक इट. एंड आई थिंक हम सब बेसिक्स वापस पीछे उसी की तरफ जा रहे हैं. मैं तो धीरे धीरे सबको वही पसंद आ रहा है. हमने क्या है ना, हमारे इंटीरियर और फैशन में बैक एंड फोर्थ होता है. बैक एंड फोर्थ का मतलब यही है, जो गया है वो वापस आएगा, जो है वो जाएगा. तो मुझे दिवाली के दिन मतलब हर एक कॉर्नर जगमगाना होता है और बहुत कलर ऐड करने होते हैं, चाहे वो टेबल सजाना हुआ, चाहे कॉर्नर सजाने हुए, चाहे वो आप रनर बिछाने हुए, किचन सजाना हुआ, तो आई गो लाइक बहुत सारे कलर्स आए. करेक्ट. मुझे तो एक चीज लग भी रहा था रेखा, बताए मेरे घर का ना थोड़ा वन टोन वाला पूरा है, फर्नीचर से लेके वॉल एंड एवरीथिंग. तो मुझे भी वही लगता है कि दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो ना, स्पेशली दिवाली एक्चुअली है ना, बाकी सब फेस्टिवल्स में हम इतना ज्यादा डेकोर नहीं करते जितना दिवाली में करते हैं. तो ये जो वन टोन मेरा है घर, हाँ, उसको ब्रेक डाउन करना. जैसे आपने बोला कि आपका घर वन टोन है, बेसिकली आपका घर एक न्यू शेप में गया है. सी क्या होता है, घर आपका है और आपका एक पर्सनल टच होना जरूरी, भले कोई इंटीरियर डिजाइनर आए कुछ भी कर, बट हर घर कुछ कहता है, इस घर में कौन रहता है, तो आपका पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या कलर पसंद करते हो, कि अभी अब दिवाली आपने सजाया, दैट मीन्स यू लाइक दिस फेस्टिवल, यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट. तो वो आपको पर्सनल टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी बिल्कुल चिंता ना करिए, कलर जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप कलर ऐड करिए और दिवाली है, बस आप खुश रहिए, दिए जलाइए, कोई एस्थेटिक की जरूरत नहीं है, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, आपके दिए आपके घर में जो चीज़ पड़े हैं आप उन्हें जलाइए, बस खुश रहिए. चलिए फिर आज के ब्लॉग में इतना ही. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं. खूब एंजॉय कीजिए, खुश रहिए.